लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। स्वतंत्रता सेनानी संयुक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जन्म जयंती समारोह सप्ताह कार्यक्रम के तहत आज कोडरमा जिले के चुमरी तलैया पुराना बस स्टैंड स्थित बेलाटाड़ दुर्गा मंडप परिसर में KB सहाय फाउंडेशन द्वारा 126वीं जयंती कार्यक्रम आयोजित हुआ। जन्म जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वर्गीय सहाय के पौत्र एवं KB सहाय जन कल्याण संस्था के कोडरमा प्रभारी मनोज सहाय पिंकू ने की। जयंती कार्यक्रम में उपस्थित जिले एवं नगर के सम्मानित जनों ने सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया एवं स्वर्गीय KB सहाय के चित्र पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयंती कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित वरिष्ठ नेता रमेश सिंह, निर्मल कुमार ओझा, अनवारुल हक, गणेश स्वर्णकार ने बताया कि महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी ICS की नौकरी त्याग कर सहाय जी आज़ादी की लड़ाई में कई बार जेल गए, जबकि 1947 में आज़ादी के बाद संयुक्त बिहार के राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री रहते बिहार और झारखंड के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुकेश गोस्वामी की रिपोर्ट। जयंती मना रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और बाबू कृष्ण बल्लभ सहाय जिनके वंशज के रूप में हम यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पहले तो पूरा राष्ट्र और पूरे झारखंड एकीकृत बिहार की ओर से हम इनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और कृतज्ञ होकर इनको नमन करते हैं। इनके ऐसा महापुरुष जो आज ही के दिन 31 दिसंबर के दिन इनका जन्म हुआ था, और चूँकि हम एक जन्म जयंती सप्ताह मना रहे हैं तो 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये सप्ताह हम मना रहे हैं। आज हम कोडरमा में ये आयोजन भी कर रहे हैं, उसके पूर्व में हमने कटकमसाड़ी हजारीबाग में किया था और कल हजारीबाग में जो इनका पैतृक आवास है वहाँ पर एक बृहद कार्यक्रम होकर वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से जन्म जयंती कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। तो इसे हम पूरे क्षेत्र में विस्तारित कर रहे हैं और ये महापुरुष जिन्होंने 1898 में इनका जन्म हुआ और जब शुरू में इनकी माली हालत बहुत कमज़ोर थी और उसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ढाल लिया, तो ऐसे महापुरुष को आज हम अगर उनके पर वंशज होकर के उनके पारिवारिक सदस्य होकर के अगर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं करने का मौका मिलता तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। आज पूरे कोडरमा जिला के सम्मानित जनों ने आकर के यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और तमाम लोगों ने बाबू कृष्णलाल साहेब के यादों को ताज़ा किया कि किस तरह से उनका हर फाइल में जो नोटिंग रहता था इतने कड़े शब्दों में वो लिखते थे कि IAS भी उनका नोटिंग से थरथराते थे, कांपते थे कि हाँ क्या इनका अगला शब्द रहेगा। तो मैं इस अवसर पर आपको भी धन्यवाद दूंगा, पूरे देश को और अपने झारखंड और बिहार राज्य के तमाम नागरिकों का सम्मानित जनों को एक बार पुनः बाबू कृष्ण बल्लभ सहाय के जन्म जयंती की शुभकामना प्रेषित करता हूँ और निश्चित रूप से ऐसे आज़ादी के महानायक ऐसे महापुरुषों के जीवनी को हमको सीखना होगा, समझना होगा और आज के देश के विकास में हमको इसका योगदान आगे बढ़ाना होगा। आज के दिन संकल्प उन्होंने हमें सिखाया और कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपके पीछे कितने लोग चल रहे हैं। आप ये विचार कीजिए कि आप चलेंगे तो आपके साथ पूरा दुनिया चलेगा और आप अगर दृढ़ इच्छा के साथ अपना लगन के साथ देश के विकास में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आप वो सफलता पाएंगे। जिस तरह से जब अंग्रेज़ों से इन्होंने लड़के आज़ादी दिलाई तो हम तो अभी यहाँ पर बेरोजगारी है, हमारे पास अशिक्षा है और बहुत से विकास के काम उस पर हम सबको अपना प्रयास करना है। के नौकरी होता है जो IAS आज के होते हैं वो नौकरी इन्हें प्राप्त हुई थी, मगर इन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपना वो नौकरी त्याग दिया। ये बलिदान इन्होंने किया और हम इससे सीखते हैं कि कैसे उस समय आज़ादी के दीवाने अपना सब कुछ न्योछावर करते थे और इन्होंने कई बार जेल जा कर के भी मगर अंततः 1947 में भारत को आज़ाद कराया और एकीकृत बिहार झारखंड बिहार संयुक्त जो है उसमें इन्होंने कई कल्याणकारी कामों का किया है। जैसे जमींदारी उन्मूलन इन्होंने कराया, गरीबों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा, भू आंदोलन विनोबा जी के साथ लग करके इन्होंने गरीबों के लिए ज़मीन दान करवाया, बड़े राजे रजवाड़ों का ज़मीन गरीबों के बीच बंटवाया। आप देख रहे हैं HEC, आप देख रहे हैं बोकारो संयंत्र, आप देखिए सैनिक स्कूल तिलैया, अपने मुख्यमंत्री काल में रहते हुए इन्होंने हाइड्रो प्लांट और ये सभी निर्माण किया। तो इनके सोच था कि किस तरह से पूरे झारखंड ही नहीं बिहार को पूरा विकसित किया जाए, देश को विकसित किया जाए। ये एकीकृत बिहार के लौह पुरुष के रूप में भी जाने जाते थे। आज 126वां जयंती कृष्ण बल्लभ सहाय जी का हम लोग आज मना रहे हैं और उनके परिवार जन में से उनके पौत्र श्री मनोज सहाय जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम कर कोडरमा ही नहीं पूरे बिहार एकत जब था झारखंड उसमें था तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि उनके
उन्होंने जिस तरह से देश के लिए, अपने इस बिहार के लिए किस तरह की उन्होंने जनता और समाज के लिए काम किया, इनका यहाँ से एक मैसेज हम लोग के द्वारा समाज में देने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मनोज सहाय जी को कि प्रत्येक साल विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के इनके जन्म उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाने का काम करते हैं। हम लोग पूरे कोडरमा जिलावासी इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री के अलावा एक वीर स्वतंत्रता सेनानी प्लस आपको प्रख्यात विद्वान और एक कुशल प्रशासक थे। आज उनके 126वें जन्मदिन के अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने चित्रगुप्त परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ ये जो बाबू केवी सहाय जी का जो फाउंडेशन है उसके आयोजक हमारे मनोज सहाय जी, पिंकू सहाय जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उनके जन्मदिन पर आज गरीबों के बीच में कंबल भी वितरण किया। और इन्हें, इनके पूरे वंशज को, इनके परिवार के लोगों को भी हम आज प्रणाम करते हैं।